हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक की एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि दोस्तों ये वीडियो आप देख सकते हैं, 0.2 का जो कुछ सीन जो है टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो आज हम इसी वीडियो को ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल, इसके लिए आपको करना क्या, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन और दो वीडियो का लिंक मैं दे दिया हूँ, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पर आना है। जो वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, और एक और वीडियो का लिंक मैंने दे रखा हो तो उसे भी आपको सेलेक्ट कर लेना है और इस पर क्लिक कर कर इसे आपको फुल साइज कर देना है। इसके बाद इस वीडियो पे क्लिक करना है और इसे आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है और इसे आपको सही तरह से एडजस्ट कर देना है। और इसके बाद फर्स्ट वाले वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, क्रॉपिंग पे क्लिक कर देना है और इसको आपको सही तरह से एडजस्ट कर देना है। जैसा कि देख रहे हैं, मैं बैकग्राउंड में जो वीडियो लगा हुआ है वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो आपको सही तरह से यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले वीडियो सेकेंड वाले वीडियो को मैच कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पर लगभग मैच हो चुका है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है, एक वीडियो आपको ग्रीन स्क्रीन में शूट कर लेना है जैसा कि ये वीडियो शूट किया गया है। इसके बाद इस वीडियो को आपको क्रॉप कर देना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे सबसे पहले रिमूव कर देना है। तो मैंने लगभग यहाँ पे क्रॉप कर चुका हूँ, तो आपको भी इस तरह से क्रॉप कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है। तो मैं यहाँ पर लगभग सही तरह से एडजस्ट कर दिया हूँ, तो आपको भी इसी तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद ओके कर देना है, इसको भी वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और सही तरह से आपको बिल्कुल एडजस्ट कर देना है। आप एरो के निशान पे क्लिक करने के बाद जूम भी कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो पे के डबल फिंगर पे क्लिक करना है और इसे आपको जूम कर लेना है लेयर को। तो मैंने यहाँ पे जूम भी कर चुका हूँ लेयर पे। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, स्पीड टू प्ले हिट कर देना है और वीडियो को एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद लास्ट वाले वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट वीडियो में जो भी होगा रिमूव कर सकते हैं। आपको सेकेंड वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, ब्लेंड टू फॉन्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद लास्ट वाले वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना और सेंड टू बैक आपको कर देना है। तो मैंने सेंड टू बैक ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके बाद आपको करना क्या, सिंपल आपको वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है और की पे क्लिक कर देना है। और वीडियो जैसे आगे तरफ आएंगे, जैसे ही वीडियो की गन जो शूट कर रहा है तो घूम रहा है, उस तरह से आपको वीडियो को जो इमेज है, इमेज को आपको इस तरह से घुमा देना है। तो जैसे कि आपको वीडियो काफ़ी लंबे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे इस तरह से आपको की का जो इस्तेमाल जो करना है आपको ध्यान से करना है। जिस तरह से गन आपको रोटेट हो रहा है, उस तरह से आपको इमेज को भी यानी कि वीडियो को भी रोटेट आपको कर देना है। और आप देख सकते हैं फाइनली मेरा वीडियो जो है यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप चाहे तो इस तरह के वीडियो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं और जो कि टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।